यह है इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। क्या होती है? ए नंबर एस इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म्स ऑफ पी अपॉन क्यू। जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू क्या है वो इंटीजर्स हैं। वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, और क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यू इज नॉन जीरो मीन्स क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद रियल नंबर, ऑल रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स मेकअप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, यानी सभी रेशनल और इरेशनल नंबर्स मिलकर के उनके कलेक्शन से हमारा बनता है रियल नंबर। यानी रियल नंबर के अंदर हमारे सभी नंबर आ जाते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, हॉल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, और रेशनल इरेशनल तो है ही। यानी सभी नंबर जितने भी नंबर हैं वो सब रियल नंबर ही हैं। ठीक है, तो रियल नंबर जो है वो हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर सभी नंबर्स आ जाते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इन्हीं दो नंबर्स के बीच 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में 6 से ज्यादा, यानी 6 ही नहीं कि भाई 6 ही नंबर फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर हम फाइंड कर सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हम बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल हमसे 6 ही पूछे हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे 3 and 4। अब 3 के अपॉन में 1 लगाइए, 4 के अपॉन में भी 1 लगाइए। 6 नंबर पूछे हैं, 6 रेशनल नंबर, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 7 से कर दीजिए या 7 से अधिक संख्याओं से, यानी जैसे 8 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, यानी जितने नंबर हम ज्यादा ज्यादा फाइंड करेंगे तो हम बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे। जैसे इसमें 6 का है तो हम 7 से कर सकते हैं और उससे ऊपर वाली नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यह आएगा 3 7 21 अपॉन 7, 4 7 28 अपॉन 7। अब इनके बीच में हमें निकालने हैं 6 10 6 रेशनल नंबर्स और होंगे हैं। कौन कौन से हैं? 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 5 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7 lies between 3 and 4। यानी ये नंबर है 6 1 2 3 4 5 6 जो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं। ये सारे कैसे नंबर हैं? रेशनल नंबर। तो हम किन्हीं दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी 6 के हैं, मान लिया मैं 20 करता हूं तो 21 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो या 22 से कर दो, यानी बड़ी संख्या से जितना फाइंड करवाते हैं उससे एक ज्यादा ले लो या उससे और ज्यादा ले सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे कहा है कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं।
सिंपली फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. 3/5 और 4/5 के बीच में पांच रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. ठीक है, तो हम 3/5 और 4/5 लिखेंगे. सॉल्यूशन ही कर रहा हूं मैं सीधा. ये था क्वेश्चन टू. क्वेश्चन टू था ये, और यहां है क्वेश्चन नंबर थ्री. तो हमें फाइंड करने हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें पांच रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. कैसे फाइंड करोगे, किससे मल्टीप्लाई करें हम? जैसे पांच करा है तो छह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सात से भी कर सकते हैं, दस से भी कर सकते हैं, बीस से भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन पांच फाइंड करने के लिए चार से या तीन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. दूसरी बात यह, हमें डायनोमीटर सेम करने पड़ते हैं. यदि डायनोमीटर सेम नहीं है डिनोमिनेटर, तो उनका एलसीएम लेकर के पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तब मल्टीप्लाई करेंगे बाद में. तो इसमें तो डायनोमीटर सेम ही है आपके, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें पांच पूछे हैं तो छह से, सिक्स से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में और सिक्स से डिनोमिनेटर में. तो यह आएगा आपका 3 6 18, 5 6 30, 4 6 24, 5 6 30. ठीक है, अब इनके बीच के लिखिए 10 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स और कौन कौन से होंगे देखो, यहां से 18 से बड़े, 24 से छोटे. 18 से बड़े क्या होंगे, 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30. 1 2 3 4 5 पांच नंबर हो गए ना. लाइज बिटवीन 3/5 एंड 4/5, जो 3/5 और 4/5 के बीच में लाई करते हैं. ठीक है, इस तरीके से हमने 5 रेशनल नंबर फाइंड किए, और वो ज्यादा पूछता है तो ज्यादा भी कर सकते हैं.